अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शाहज़ा फूड किचन। आज की जो रेसिपी आप लोग बिलीव नहीं करोगे गाइस, आज का जो ब्लैक फॉरेस्ट केक हम बनाने जा रहे हैं वो बनेगा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा स्पंजी। घर के ही सामान से, मैदे से, शक्कर से, इन सारी चीजों से हम बिल्कुल बेकरी स्टाइल ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने जा रहे हैं। इसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये केक आपने घर पर बनाया है, वो भी विदाउट अवन विदाउट टिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए और बाउल में हम इस तरीके से एक स्ट्रेनर रख देंगे। कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1/3 कप मैदा, 1/4 कप हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करते हैं बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। मेजरमेंट का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तभी आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं इस तरीके से। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से स्ट्रेन करने से बहुत ही अच्छी एयर आ जाती है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसे हमें मिक्स करना है। तो सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम बाउल को रख देते हैं एक तरफ, दूसरा बाउल ले लेंगे और इस बाउल में हम डालेंगे 3 अंडे। तो एक एक करके इस तरीके से हम अंडों को तोड़ लेते हैं और इसमें हम डालते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं वनीला एसेंस और अब हम इसे फेंटना शुरू करेंगे। और इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक कि इसमें एक क्रीमी फॉर्म नहीं आ जाता, जिस तरीके से हम व्हिप्ड क्रीम को फेंटते हैं और वो व्हिप्ड क्रीम हमारी एकदम क्रीमी हो जाती है, उसी तरीके से हमें अंडों को भी फेंटना है। और यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/2 कप शक्कर और शक्कर को इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस तरीके से फेंटते भी जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से फिर से हम इसे फेंटना शुरू करेंगे और इसी तरीके से हम थोड़ी थोड़ी शक्कर डालेंगे, एक साथ हम इकट्ठा शक्कर नहीं डालेंगे। यहाँ पर हमने खड़ी शक्कर का यूज किया है, आप किसी भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी शक्कर डालकर हमने इसको अच्छे से फेंटना शुरू कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। और इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक इसमें एक क्रीमी फॉर्म नहीं आ जाता। तो आप देख सकती हैं, अब इसमें क्रीमी फॉर्म आना शुरू हो गया है। इसको फेंटने में हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट का वक्त लग जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे हमें चलाकर फेंटते रहना है। अभी हमारा उतना क्रीमी नहीं हुआ है, इसे हम थोड़ा सा और फेंटेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए, अब इसमें हमारा पूरी तरीके से क्रीमी फॉर्म आ चुका है। आप देख सकती हैं कितना थिक होने लगा है। ये देखिए, इस तरीके से हम आपको दिखाते हैं, एकदम व्हिप्ड क्रीम के जैसा है ना। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 कप ऑयल और ऑयल डालकर हम इसे 1 मिनट के लिए और चला लेंगे। इस तरीके से ये देखिए, ऑयल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अंडों में। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने अंडों को बहुत ही अच्छे से फेंट लिया एकदम क्रीमी फॉर्म में। तो ये देखिए, 1 मिनट पूरा हो चुका है, आप देख सकती हैं, और बहुत ही ज्यादा ये क्रीमी भी हो चुका है। बस हम इतना ही इसे फेंटेंगे, इससे ज्यादा अब हम इसे नहीं फेंटेंगे। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, और इसे भी हम एक तरफ रख देते हैं। यहाँ पर हमारी दोनों चीजें तैयार हैं एकदम। सबसे पहले हम जिस चीज़ पर बना रहे हैं केक को, उसे हमें पहले प्रीहीट करना है। तो यहाँ पर हमने एक भगोना लिया है और भगोने के अंदर हमने एक स्टैंड रख दिया है और हमने इसे 5 मिनट पहले इसे रख देना है। तो इसे हम ढककर रख देते हैं और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। और आज हम केक बना रहे हैं, ये देखिए, एक छोटे भगोने में। यहाँ पर हमने केक टिन का यूज़ नहीं किया है। जिन लोगों के पास केक टिन नहीं है, वो इस तरीके का छोटा भगोना ले लें और उसमें सबसे पहले ऑयल डालें और ऑयल को चारों तरफ से ग्रीस कर लें। ये देखिए, इस तरीके से कोई भी जगह हमारी छूटनी नहीं चाहिए। तो
तो यहाँ पर ऑयल को बहुत अच्छे से हमने ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर अब हम रख देते हैं ये बटर पेपर। और बटर पेपर से रखने के बाद में हम ब्रश एक बार फिर से चला देंगे। तो यहाँ पर हमारा केक टिन भी तैयार है और हमने भगोने को भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इस तरीके से एग में मिलाएंगे और इसे हम हल्के हाथों से मिलाएंगे। ये देखिए हमें बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिलाना है। थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालेंगे और हल्के हाथों से इसको हम मिलाते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले केक का स्पॉन्ज बनाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए आप जितना हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा आपका केक बनेगा। और थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालेंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हम 1/4 कप ले रहे हैं दूध। दूध आप रूम टेम्परेचर का लें, फ्रिज का निकला दूध बिल्कुल भी ना लें। और दूध डालकर इसे हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हम बाकी का बचा सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देते हैं और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। ये देखिए बहुत हल्के हाथों से इसे हमें मिक्स करना है। यहाँ पर हमने सभी चीजों को बहुत हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। आप देख सकती हैं ये देखिए इस तरीके से। और अब हम एक स्पैचुला की हेल्प से सारे बैटर को एक तरफ कर लेते हैं, थोड़ा सा कट एंड फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए हमारे बैटर में अभी से बबल आने शुरू हो गए हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपका बैटर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। और अब इस बैटर को हम डाल देते हैं अपने केक टिन में। जो यहाँ पर हमने केक टिन लिया है उसमें हम इस बैटर को डाल देंगे। यहाँ पर तो हम छोटे भगोने का यूज कर रहे हैं। आपके पास अगर केक टिन है तो आप केक टिन का भी यूज कर सकती हैं। इस तरीके से एक हम स्टिक लेंगे और उससे हम इसे इस तरीके से चला लेंगे। ये देखिए ताकि जितने भी बबल हैं अंदर वो सारे निकल जाए। ये तरीका आप जरूर अपनाएं, इससे सारे बबल आपके निकल जाएंगे। नहीं तो आपका केक बीच से खाली खाली कहीं पर खाली और कहीं पर भरा रहेगा। और थोड़ा सा इसे हम टैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसे टैप कर लिया है और हमारा भगोना भी अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। आप भगोने में बनाएं, कढ़ाई में बनाएं, कुकर में बनाएं, किसी भी चीज़ में बनाएं, जो आपके पास हो आप उसमें बनाएं। और इसे अब हम ढककर रख देते हैं 50 से 55 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। आप देख सकती हैं गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है और इसे हम 50 से 55 मिनट के बाद ही इसे खोलेंगे। या जब आपके केक में एक खुशबू आने लगे अच्छी सी, जब आप अपने केक को खोलें। यहाँ पर 50 से 55 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा केक फूल कर डबल हो चुका है। आप देख सकती हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर एक टूथपिक डाली और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी स्टिक एकदम क्लीन है, इसका मतलब केक हमारा एकदम परफेक्ट बन गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस केक को हम थोड़ी देर के लिए उसी भगोने पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने केक को थोड़ी देर भगोने पर छोड़ दिया था और अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसके हम सबसे पहले एजेस छुड़ा लेंगे और इसे अब हम पलट कर इस तरीके से टैप करेंगे और इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना स्पंजी हमारा केक बना हुआ है। इसका सबसे पहले हम बटर पेपर हटा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसके बटर पेपर को हमें हटा देना है और इस केक को हम पलट देते हैं। तो ये देखिए हमारा केक आपको पहले से ही दिख रहा होगा कि कितना जालदार और कितना स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। और अब हम अपने केक को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब कभी भी आप केक को ठंडा करें तो इसे ढककर ही रखें इस तरीके से। ये देखिए किसी टॉवल या किसी कपड़े से इसे ढककर रख दें। तो यहाँ पर हमने केक को 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तब तक हम अपनी व्हिप्ड क्रीम को फेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सेफ मार्क की व्हिप्ड क्रीम ली है। आप किसी भी कंपनी की ले सकती हैं, ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने व्हिप्ड क्रीम ली है 1.5 कप। तो इसे अब हम डाल देते हैं बाउल में। इस तरीके से इसे हमें पलट लेना है और अब हम इसे फेंटना शुरू करते हैं। अगर आपकी व्हिप्ड क्रीम ठंडी नहीं है तो आप इसके नीचे एक दूसरे बाउल में आइस लगा लें, फिर इसके बाद इसे फेंटें। नहीं तो ये बिल्कुल भी आपकी अच्छी फिटेगी नहीं।
और अगर आप एग बीटर का यूज़ कर रही हैं तो आपका वक्त लगेगा 5 से 6 मिनट, और अगर आप किसी फॉक वगैरह से फेंट रही हैं इसे तो इसमें आपको 10 से 15 मिनट का वक्त लग जाएगा। तो ये देखिए हमारी व्हिप्ड क्रीम बहुत अच्छे से फिटना शुरू हो चुकी है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट फिट गई है, और आप बाउल को पलट भी सकते हैं, इससे हमारी व्हिप्ड क्रीम गिरेगी भी नहीं। और अब हम अपने केक को खोलकर चेक भी कर लेते हैं। तो ये देखिए केक हमारा एकदम ठंडा हो चुका है। केक में आइसिंग करने से पहले केक को ज़रूर चेक कर लें कि केक हमारा पूरी तरीके से ठंडा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर केक हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, और अब हम इसे 3 लेयर में कट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखिए ऊपर का इसका टॉप अलग करेंगे इस तरीके से, हमें इसका इसको कट कर लेना है। हमने यहाँ पर ऊपर का इसका टॉप अलग नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उठा नहीं था, इसलिए आपका अगर बहुत ज़्यादा उड़ गया है तो आप इसे कट कर सकती हैं। ये देखिए कितना जालदार और कितना लाइट वेट में हमारा ये स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। और अब हम सेकंड लेयर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम लगा देंगे इस तरीके से, और एक हम लेयर रखेंगे सबसे पहले, और इस पे हम ये देखिए यहाँ पर हमने शुगर सिरप बना लिया था 50 ग्राम वाटर में, हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून शुगर ली थी और उसको पानी में हमने अच्छे से घोल लिया है। और ये देखिए इस तरीके से इसमें हमें डालना है। आप स्प्रे कर सकती हैं शुगर सिरप को, या आप किसी स्पून से भी डाल सकती हैं। ये देखिए अच्छे से हमने इसको स्प्रे कर लिया है, और यहाँ पर हम पाइपिंग बैग में इस तरीके से व्हिप्ड क्रीम को रख लेंगे। इस तरीके से व्हिप्ड क्रीम हमें लगाने से हमारा अंदर का जो बेस है एकदम बराबर आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से इसे हमें राउंड शेप में घुमाकर व्हिप्ड क्रीम को फैलाना है। और यहाँ पर इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर आज आपको बता दें, ये हम बच्चों का जो स्केल होता है उसका यूज़ कर रहे हैं। आज हम आइसिंग करेंगे बच्चों के स्केल से, और हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो आप बच्चों के स्केल से भी इस तरीके से आइसिंग कर सकती हैं। तो ये देखिए एकदम बराबर लेवल आ चुका है। और अब इसके ऊपर से हम ये देखिए चॉकलेट गनाश लगा देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे हमें इसके ऊपर फैला देना है, और इसे हमें इतना डालना है कि ये सिर्फ अंदर ही रहे, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले। ये देखिए इस तरीके से, तो हमने यहाँ पर चॉकलेट गनाश को अच्छे से लगा लिया है। और अब हम इसमें बीच में रखेंगे ऊपर वाला पार्ट, ये देखिए इस तरीके से, और इसको भी हम अच्छे से स्प्रे कर लेते हैं शुगर सिरप से इस तरीके से, और फिर से हम इसमें व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। और इसे भी हम इस तरीके से, ये देखिए हमें एकदम इसका लेवल बराबर कर लेना है, आप देख सकती हैं। तो ये देखिए एकदम हमारा लेवल बराबर आ चुका है, और अब हम फिर से इसमें गनाशे डालेंगे। और अब हम अपनी थर्ड लेयर इस पर रख देते हैं, और इसके ऊपर से हम अच्छे से आइसिंग करेंगे। ये देखिए हमें इस तरीके से आप आइसिंग करें, और जितना आपको कवर करना है इसे अच्छे से कवर कर दें। ये देखिए जहाँ पर आपको खाली लग रहा हो वहाँ पर क्रीम ज़रूर लगाएं इस तरीके से, ये देखिए। और उसी स्केल से आप इसे बिल्कुल चारों तरफ से बराबर कर सकती हैं। ये देखिए इस तरीके से इसे हमने बराबर शुरू कर दिया है करना, और एकदम इसे हमें चिकना बनाना है। जहाँ पर हमें व्हिप्ड क्रीम कम लग रही है वहाँ पर हम और लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको एकदम बराबर कर लिया है, और इसे हम थोड़ी देर के लिए हमने फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। और इसके बाद इसे हम फिर से निकाल कर इसमें व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे, ये देखिए। और इसके ऊपर से हम व्हिप्ड क्रीम लगाकर इसे दोबारा हम कवर करेंगे, तो आप देख सकती हैं इस तरीके से इसे हमें बिल्कुल बराबर कर लेना है, और ये घुमाते हुए हमें एकदम इसको बराबर कर लेंगे, और ऊपर भी हम इसे एकदम बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक बेस बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकती हैं। इस तरीके से आप पहले केक का बेस बनाकर तैयार कर लीजिए। अब हम यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो यहाँ पर हमने चॉकलेट मेल्ट कर ली है। इसमें हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करते हैं, और क्रीम को इस तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा हम इसमें बटर ऐड करेंगे,
और बटर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बटर हमको अच्छे से इसमें मेल्ट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे चलाकर बटर को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बटर भी मेल्ट हो चुका है, आप देख सकती हैं। और अब हम इसको एक उतार लेते हैं डबल बॉयलर से, और उतार कर इसे हम ठंडा कर लेंगे। आप ये काम ओवन में भी कर सकती हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और इसे एक हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से चॉकलेट गनाश को हमने पाइपिंग बैग में भर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसकी आगे की नोक को काट देंगे। और इस तरीके से आप मनपसंद डेकोरेशन अपने हिसाब से कर सकती हैं, जो आपको डिज़ाइन पसंद हो, जो आप आसानी से बना सकती हो वो आप बना लीजिए। और स्केल से इस तरीके से बराबर करती जाइए। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप दूध की थैली वगैरह भी ले सकती हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके का डेकोरेशन कर लिया है। थोड़ा सा हमने पार्ट इसमें वाइट छोड़ दिया है, बाकी का हमने इसको चॉकलेट से पूरा कवर कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमने ये ग्रेटेड चॉकलेट ली है, ये देखिए। और इसको अब हम इसके साइडों में छिड़क देंगे इस तरीके से लेकर, ये देखिए इस तरीके से हमें इसे छिड़क देना है। तो चारों तरफ से इसे घुमाकर हमें इसमें चॉकलेट लगानी है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए हमने इसमें चॉकलेट को अच्छे से कवर कर दिया है, आप देख सकती हैं। हमने चॉकलेट को केक में चारों तरफ से कवर कर दिया है। और अब हम यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम को एक पाइपिंग बैग में भर लेते हैं स्टार नोजल के साथ में। और अब हम ऊपर की डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे छोटे छोटे फ्लावर। तो यहाँ पर फ्लावर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनाना है। इस तरीके से आपको राउंड शेप में घुमाते हुए, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप ले आइए। तो ये लीजिए हमारा पहला फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। हम आपको दूसरा दिखाते हैं कितनी आसानी से ये फ्लावर बन जाते हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरा फ्लावर भी कितनी आसानी से बन गया है। इसी तरीके से हम पूरे केक में ये फ्लावर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे केक में ये फ्लावर बना लिए हैं। और यहाँ पर हम ले रहे हैं ये चेरी। अगर आपके पास चेरी नहीं है तो आप कुछ भी डेकोरेट कर सकती हैं। आप चॉकलेट के गोले भी ले सकती हैं जो मार्केट में बहुत इजी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी में चेरियाँ लगा दी हैं, ये देखिए आप देख सकती हैं। और ये केक हमारा बनकर तैयार हो गया। आप इतना ही इसको डेकोरेट कर लीजिए, मगर अभी हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। तो इसको डेकोरेट करने के लिए हमें फिर से डार्क कंपाउंड की चॉकलेट चाहिए। ये मॉड कंपनी की है, ये मार्केट में बहुत इजी तरीके से मिल जाती है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डार्क कंपाउंड का यूज़ किया क्योंकि हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहे हैं। अब इस चॉकलेट को हम निकाल लेंगे और इसे हम फिर से कट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने चॉकलेट गनाश बनाया था। और अब हम इसे सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करना है, क्योंकि हम कुछ थोड़ा सा डेकोरेट करने जा रहे हैं। तो इस चॉकलेट को हम इस तरीके से कट करेंगे और इसके हम छोटे छोटे पीस में कट करेंगे, ताकि ये बड़ी आसानी से चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाए। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। और इसे अब हम डबल बॉयलर की हेल्प से इसको हम मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पर पैन चढ़ा दिया है और पैन में हम रख देते हैं एक बाउल। बाउल पानी में बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से बाउल को आप रख दीजिए और उस पर आप ये चॉकलेट डाल दीजिए इस तरीके से। और ये देखिए चॉकलेट हमारी बहुत ही जल्दी मेल्ट होना शुरू हो गई है। आप ये काम माइक्रोवेव में बहुत ही फटाफट कर सकती हैं। 20 से 30 सेकंड में ये चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। यहाँ पर हम इस तरीके की ये देखिए प्लास्टिक शीट ले रहे हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट नहीं है तो आप कोई भी पुराना एक्सरे वगैरह जो होते हैं या कोई सी भी प्लास्टिक शीट ले सकती हैं, थोड़ी सी टाइट वाली लीजिए। और अब इस मेल्टेड चॉकलेट को इस पर हम फैला देंगे। और डिज़ाइन आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जो आपको डिज़ाइन पसंद हो। तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल और रेक्टेंगल शेप में डिज़ाइन बनाया है और थोड़े से हमने इसमें कोन टाइप से डिज़ाइन बना लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारी ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गए हैं। बस हमने थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था और अब हम इसे इस तरीके से इसमें लगा देते हैं। तो ये लीजिए इस तरीके से इसे हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर इसे लगा देना है। और ये जो हमने छोटे छोटे कोन बनाए थे इसे भी हम लगा देंगे इसमें इस तरीके से, ये देखिए इसे भी हम लगा देते हैं। तो ये देखिए हमारा केक पूरी तरीके से डेकोरेट हो गया है। बस हम इससे ज़्यादा इसे डेकोरेट नहीं करेंगे। देखा आपने बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक बनकर तैयार हो गया है। और ये देखा आपने बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही कम टाइम में ये केक बनकर तैयार हुआ है। अब हम आपको ये केक अंदर से भी दिखाते हैं। ये देखिए
कि अंदर से बिल्कुल बेकरी जैसा लग रहा है कि नहीं, जैसे हम बेकरी वगैरह से केक लेकर आते हैं, मार्केट से लेकर आते हैं, बिल्कुल सेम हमारा केक उसी तरीके का बना है। ये केक हमने विदाउट ओवन और विदाउट टिन के बनाया है, घर की ही चीजों से ये केक हमने बनाकर तैयार किया है। और इस केक को बनाना बहुत ही इजी है, ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी लेयर को भी देख सकते हैं और इस केक के मॉइस्ट को भी देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही स्पंजी है। तो देखा आपने ये केक कितनी जल्दी और फटाफट बनकर तैयार हो गया है। अब आप इस केक को घर पर जरूर ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि आपका ब्लैक फॉरेस्ट केक कैसा बना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर पर देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आपसे हम फिर मिलेंगे न्यू रेसिपीज के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। बाय बाय।